तेरी तो सयानी। ठाकुर श्री राम नाम है मेरा, ठाकुर श्री राम नाम है मेरा, अजल मुझसे टहलती है, हवा भी मेरे बाजों से बचकर निकलती है। बहादुर सिंह जी मालिक, जाओ हमारे दोस्त लाल राम को हाजिर करो। जो हुक्म। पहले ये बताओ कि तुम कहाँ थे अभी तक? मालिक हम बड़े उलझन में पड़ गए रहने एक बात से। किस बात से? मालिक कहा देखा कि एक दुई गड्ढा खुदे है मालिक। अच्छा, तो एक गड्ढा साहत भरा है। हाँ। और दूसरे गड्ढा महिला भरा है। फिर क्या हुआ? फिर मालिक कहा देखा कि साहत वाले गड्ढा तुम गिर गये हो। हाँ हाँ। और महिला वाले गड्ढा हम गिर गए। हाँ, शान की बात है मालिक। और तो क्या? फिर देखा का क्या देखा कि अरे आए हम निकले। हाँ? और तुम हो निकले हो। अच्छा। फिर का देखा मालिक हम तुमका चाटती थी है। क्योंकि मेरा शहद लगा था। हाँ, मालिक आपके साथ लगा रहा है। हाँ? और थोड़े देर के बाद का देखी थे कि तुम हमका चाटती हो। चुप। अरे हम तुमको चाट रहे थे। हम कह बहुत बातें आ गई तुम्हें, सपना तो नहीं देख रहे थे? नहीं, जब मालिक आंखी खुली। हाँ? तो हम बकरी के लिए एड़ी चबाइत रहे। इसका मतलब तुम सपना देख रहे थे? वही समझो मालिक। जाओ हमारे दोस्त लाला राम को हाजिर करो। हेलो, कौन है? जय राम मालिक। जय राम। चलो आपका श्री राम ठाकुर याद की न है। हमें श्री राम ठाकुर ने याद किया है। हाँ? चलिए मैं आ रहा हूँ। अच्छा मालिक। ठाकुर जी जय गोपाल की। जय गोपाल की। कहिए तो किस वास्ते किया इस घड़ी याद, क्या दिल में है आपके करिए गाइर साथ। सुनिए लाला राम, और किसकी है बेटी जवान, बता दे उसका नाम। बताओ इस इलाके में किसकी बेटी जवान है लाला राम? अभी बता रहा हूं। गांव में दीन दयाल जो की मल्ला है, उसकी बेटी बहुत खूबसूरत सी, नाम फूलन है उसका, मेरे दोस्त मन जिसकी सूरत मेरे दिल में रहती बसी। फूलन नाम है उसका। तो जैसे भी हो सके और उसको लाओ यहाँ, दिल के अरमान उससे मिटाऊंगा मैं, नाम सुन करके उसका, और ये बेताब दिल अब तो पहलू में उसको बिठाऊंगा मैं। अरे मालिक बोलिए, बहुत बेचैन है। जल्द से जल्द लाऊंगा उसको यहाँ। हाँ? परंतु कुछ दिन की मोहलत मुझे दीजिए, सांस ना उसको इतना ना आसान है, ध्यान कहने पे ठाकुर मेरे दीजिए। पैदा और हुए लाला जी, बुजदिलों की तरह बात क्यों कर रहे, हुक्म तुमने कभी और मेरा ताला नहीं, आज फूलों को लाने में क्यों डर रहे। आप तो खामखा नाराज होने लगे, आपकी बात ताला नहीं है, फिर उसे यहाँ तक लाने के लिए कुछ मोहलत दीजिए ठाकुर साहब। लाला राम। हाँ ठाकुर साहब। उस चुलबुली चिड़िया को लाने के लिए तुम्हें कितना समय चाहिए? अरे कम से कम 100-150 साल दे दो मोहलत। क्या 100-150 साल? 100-150 साल? अबे उस वक्त तक तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। हाँ, मगर यह होगा ठीक है। नहीं ठाकुर साहब, फिर ऐसा है, बस सिर्फ एक हफ्ते का समय चाहिए। बस ये समझ लो कि फूलन आपके पहलू में होगी। बस एक हफ्ते के समय में? हाँ, यानी फूलन हमारी हवेली में होगी। हाँ लाला जी, सुनो हमारी बात,
जिस घड़ी उसको ले आओगे लाला तुम, और तेरा दामन भी दौलत से भर जाएगा। कर्तव्यदा श्री राम, और है आपसे जो कहोगे वही पूरा हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ, जिस वक्त फूलन हमारी हवेली में आएगी उस वक्त मैं धन से माला माल कर दूंगा लाला। अच्छा ठाकुर साहब, मैं चल रहा हूँ। मालिक साथ में हम जा रहे हैं, नाश्ता का इंतजाम करके भेज दियो। बहुत अच्छी बात है, तुम भी बहादुर सिंह लाला राम के साथ जाओ और जैसे भी हो से फौरन लाओ। हाँ मालिक, नाश्ता का इंतजाम कर दियो। आई जमानी ओड़ी चुनरिया सरी से सर की चलो मालिक चला जाए। अरे फूलन, आज बहुत खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? आपसे क्या मतलब है? ले हमसे पंचल से कोई मतलब है? अरे ये गांव करे ठाकुर आएगा पूछे नहीं तो कहा है क्या? मेरी जान फूलन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, सुनो। क्या कहना चाहते हो? और बहुत खूबसूरत नजर आ रही हो। ना करा मेरा मान, अब वो नाम ही
बिगड़ा जब से शराफत में आया नहीं।
आया। समय ज्यादा हो रहा है इसलिए तुम अपने घर जाओ, क्योंकि मुझे भी अड्डे पर पहुंचना है, सरदार मेरी राह देख रहा होगा। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ। देखो तुम्हें मालूम है मैं एक डकैत हूँ, और फिर भी तुम प्यार की बातें कर रही हो, इन बातों को भूल जाओ और अपने घर जाओ। साथिया नहीं जाना के जीना लगे, ठीक है। किसी ने सच कहा है कि आज दुनिया वालों ये तो कहो, आज दुनिया वालों ये तो कहो किस दिल के अंदर प्यार नहीं, और ये सौदा है दिल का, इस पर चलता कोई अधिकार नहीं। जाओ, मैं आज के आठवां दिन इस पहाड़ी के पीछे तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, जरूर मिलूंगी मैं भी। आना, वो झूठ मत बोलना। मेरा वादा है मैं तुम्हें मिलूंगा। ठीक है। क्या बताऊं, अभी तक लाला राम लौट कर नहीं आए। मालिक मालिक क्या हुआ? ठाकुर साहब, जय गोपाल की। जय गोपाल की, आखिर इतना परेशान क्यों हो? परेशानी वाली बात है मालिक। क्या हुआ? अरे एक ऐसी दुर्घटना हम लोगों के साथ होगी, इसलिए हम भागते हुए आए हैं। बता दो मालिक, तुम्हें बता दो। अरे अभी बताते हैं, क्यों परेशान? लाला राम हड़ा हमारी बात, ये बहुत क्या है बताओ, और मुझे लाला जी साथ में अपने बुलबुल क्यों लाए नहीं? राज क्या है खुलासा तो करिए पया, जो झलक मुझकी मुझको दिखाए नहीं। जिस समय मैंने फूलन को पहुंचा वहा, डाकू विक्रम अचानक वहां आ गया। आप डाकू विक्रम वहां अचानक आ गया? ऐसी बात करो, डाकू विक्रम अचानक कूद पर। अच्छा, फिर क्या हुआ? आपको बगालिया और सख्त उसने दिया, उसके हाथों का खुद मार मैं खा गया। ये क्या सुनाई खबर, और आके लाला मुझे क्या सुनाई खबर? मैं दुश्मनी मुफ्त में, और मोल मुझसे लिया, वक्त मिलते आदम को पछाऊंगा मैं। ठाकुर साहब कहिए, एक और नई खबर सुनिए। कौन सी खबर? इसी हफ्ता पुत्तीलाल नाम के लड़के से फूलन की शादी होने वाली है। अच्छा, आप जल्दी से तरकीब सोचिए, वरना फूलन हाथ से निकल जाएगी। अरे निकलने की क्या बात है मालिक, कोई ऐसा सिस्टम भिड़ा दे ताकि ये चिड़िया बुलबुल कहीं उड़के न जा पाए, आपके आगोश में आ जाए मालिक। ठीक कहते हो, तुम जानते हो कि ठाकुर श्रीराम जिस चीज के पीछे पड़ जाता है उसे हासिल कर लेता है। अरे कहो मालिक, वो लौंडिया हमारे कब्जे से बिल्कुल नहीं जा सकती। अरे मालिक, यू कहो, हम कहीं आवाज़ दी नहीं है। उसकी तरकीब हमारे पास है। क्या तरकीब? लाला राम, मैं आज ही इंस्पेक्टर से मिलकर उसे गिरफ्तार करवा दूंगा, उसके ऊपर डकैती का इल्जाम लगा दूंगा, फिर बाद में क्या होगा ये तुम अच्छी तरीके से जानते हो। इससे क्या नतीजा हासिल होगा? इससे नतीजा वक्त आने पर खुद समझ जाओगे लाला। देखो मालिक, जो बात सोचते हैं वो बात पक्की होती है, आपको इसमें बोलने के काम है। मालिक तुम बताओ जो कुछ करना है। ठीक है, आओ लाला हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलते हैं, इंस्पेक्टर के पास। चलिए ठाकुर साहब, चलिए आइए। हम हो चलिए मालिक। हाँ आइए, तुम भी आइए। हमारे साथ दुर्घटना की ही वही। आइए आइए ठाकुर साहब, कैसे तकलीफ की यहाँ आने की?
मुझे हवेली पर बुला लिया होता। कहिए क्या बात है? बात जानना चाहते हो? सुनो इंस्पेक्टर साहब, मैं किस लिए यहाँ आया हूँ? आखिर किस लिए आए हो? और सुनो गौर से, सुनो गौर से, और किस लिए हूँ मैं आया? सुनो गौर से, सुनो गौर से, और किस लिए मैं हूँ आया? सुनो इंस्पेक्टर साहब। हाँ कहिए। और फूलन ने हम दोनों को है सताया। कुछ समझ में ना आया, फूलन ने क्यों आपको है सताया? फूलन ने क्यों? लिया लूट सब उसने और दौलत हमारी। सुन रहे इंस्पेक्टर साहब? लिया लूट सब और उसने दौलत हमारी। और सरकार करिए मदाता हमारी, सरकार करिए। गिरफ्तार उसको करूंगा मैं जाकर, बड़ी अच्छी बात है। कड़ी से कड़ी दूं सजा आज लाकर, कड़ी से कड़ी। करोगे गिरफ्तार अगर चेना उसको, और पठाए आदम एक दिन आके मुझको। अगर आप उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे तो एक दिन हर लोगों को आदम पहुंचा देगी। मैं जरूर निकाल दूंगा। ठाकुर साहब, कहिए क्या बात? आप है? बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं उसे आज ही गिरफ्तार करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप जैसे भी हो उसे गिरफ्तार कर लीजिए, क्योंकि वो दिन पर दिन एक न एक नया काम करने लगी है। ठीक है, आप जा सकते हैं, मैं अभी जाता हूं। हवलदार। यस सर। कांता प्रसाद। जी मालिक। चलो फूल के मकान चलते हैं। नहीं, हम नहीं जा पाएंगे मालिक। आखिर क्यों? हम छुट्टी बन। कैसी छुट्टी? हम कहा जाए कोल्हौरे पे यार रस पिए। ए, इस वक्त छुट्टी? अबे चलना है फूलन को गिरफ्तार करने। डाकू फूलन को? हाँ। अरे सर आप चले जाइए, हमको नहीं ले जाइए, हमारी तबीयत नहीं ठीक है। तुम्हारी तबीयत मैं वही ठीक कर दूंगा। चलिए सर, नहीं मानते हैं तो चलेंगे। चलिए सर। चलो। कौन है? कहिए साहब, क्या बात है, कैसे आना हुआ आपका? हम लोग पैदल आए हैं। पैदल? बाहर निकलो तो बताइए। कोई सवारी से आता है? हम बाहर ही खड़े हैं। बाहर हो? ये बड़े साहब आए, जाओ खटियाटिया लाओ इनके लिए। अबे पुत्तीलाल, तेरा नाम है? हाँ सरकार, हमारा नाम पुत्तीलाल है। अपनी बीबी को बाहर निकालो। सरकार अभी तो गौना कर आएगा, अपनी बीबी को हम बाहर निकाली। चुप, जो साहब बड़े साहब करे, चलो जल्दी बिजली बिल निकालो बाहर। आ फुल्लन, देखो को बड़े साहब आए हैं, मिलो वैगन से। तुम दूध दो। पता नहीं कहा करके आए। नमस्ते, मुझसे छिट्टी आ रही है बगल में। जी मेरा ही नाम है। जल्द फुल्लन चलो तुम मेरे साथ में, ध्यान करने पे मेरे जरा दीजिए, और कुछ सुनना इस दम नहीं चाहता, सच कहता हूँ देरी नहीं कीजिए। साहेब, हमने ऐसा कौन सा जुलम किया है जो आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं? ओ साहेब, हमारी पत्नी कौन है इस जुलम कर डाले जो इका लिए जा रहे हो? अबे तू चुप। सब मालूम हो जाएगा तुम्हें वही। जब बोलता है तुम मुंह में बड़े साहब के छिट्टी जाती। चुप। मुझको वारंट तेरी गिरफ्तारी का, जब मिला तभी मैं पास आया तेरे, इसलिए देर ज्यादा नहीं कीजिए, जो कहे शब्द सच मान लीजिए मेरे। को पुलिस पकड़ कर ले गई, ये खबर उसके बाप दीनदयाल को देनी चाहिए। अच्छा मैं चलता हूँ। कहिए तो किस वास्ते आए पुतीला, और बिटिया मेरी ठीक तो
कहिए सारा हाल। पहले था मालूम नहीं गलत है उसकी चाल। ये क्या कह रहे बेटे? आपने साथ मेरे साथ धोखा किया। फुल्लन जब बच्चलन थी तो मेरे साथ शादी क्यों कर दी? उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। मैं जा रहा हूँ, समझे? शिव भगवान संभालो अपना काम। तमाशा रक्स बिस्मिल का, तमाशा रक्स बिस्मिल का, किसी जल्लाद से पूछो मजा औलाद का, किसी साहिबे औलाद से पूछो। जुदा किसी से किसी का गरज हबीब न हो, औलाद का गम दुश्मन को भी नसीब न हो। हे भगवान, अब चलूं श्री राम के पास बिटिया की जमानत के लिए। ठाकुर साहब, कौलाल राम, क्या बात है? दीनदयाल आपसे मिलना चाहता है। मुझसे मिलना चाहता है? हाँ ठाकुर साहब। जाओ उसे अंदर भेज दो। दीनदयाल, चलिए, आपको ठाकुर ने बुलाया। दीनदयाल। हाँ, क्या बात है, किस लिए आए हो? ठाकुर साहब फंसी और बीच भवन में ना, उसे किनारे पर करो, पड़ू आपके पाओ उसे किनारे। क्या मेरी बेटी को पुलिस पकड़ ले गई है? अच्छा, उसे बचा लीजिए। बस इतनी हाँ। सी बात पे तू इतना हैरान है? हाँ ठाकुर साहब, बस इतनी सी बात पर और होता तू हैरान, और रो रो कर क्यों मुफ्त में खोता अपनी जान। हाँ ठाकुर साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए। दीनदयाल, हाँ, जाओ अपने घर, तुम्हारी बेटी फूलन शाम तक तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। मैं इसी वक्त इंस्पेक्टर के पास जाता हूँ और उसकी जमानत करा कर लाता हूँ। ठाकुर साहब, आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की क्या बात? क्या बात है? अरे ठाकुर साहब, ऐसे ऐसे कई काम करा करते हैं। ये ठाकुर है, आपकी लौंडिया फंस गई, ये नहीं छुड़ाएंगे, तो गाँव वाले छुड़ाएंगे हैं? मगर आप लोग नालायक हैं, इनका एहसान कभी नहीं मानते। बहादुर सिंह मालिक, आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मालिक, काम तुमने वो किया कि उंगली नहीं टेढ़ी हुई घी निकले आया वाले। आपने फसाया कि मालिक, एक बात समझ नहीं आती। कौन सी बात? कि आपने फूलन को फसाया और आप ही छुड़ाने जा रहे हैं मालिक। अबे अब आएगा मजा इस खेल का, देखते जाओ। फूलन को छुड़ा कर जरूर लाऊंगा और दिल में लगी आग उसके हुस्न से बुझाऊंगा। लाला राम, चलो हमारे साथ इंस्पेक्टर के पास उस फूलन की जमानत के लिए। चलिए ठाकुर साहब, आओ। मालिक, हम भी चलें। हाँ, तुम जरूर चलोगे मेरे साथ। हाँ, हमारे हमारे सामने एक सपाट है। ठीक है, आओ चलो चलते हैं। चलिए मालिक। इंस्पेक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार, आइए, कहिए ठाकुर साहब, कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर साहब। मालिक, मालिक हम क्या बताए, आप यहाँ तक आए तो गयो, ओ मालिक यू सोचे हो कि का कहीं के छोड़ी हो। कहिए ठाकुर साहब, अब क्या तकलीफ है आपको? फूलन को तो मैंने पहले ही बंद कर दिया है। बस इसी बात की तो तकलीफ है इंस्पेक्टर साहब, मैं चाहता हूँ आप उसे रिहा कर दें, क्योंकि चोर वो नहीं कोई और था, बेचारी मुफ्त में फंस गई। हवलदार कामता प्रसाद। यस सर। जाओ फूलन को लेकर आओ। जी मैल। ए चलो ही आओ। क्या है? देखो तुमका कोई छुड़ावा आवा है, अब ऐसा कोई गंदा काम न करना है ताकि तुम्हें फिर जेल आना पड़े। लीजिए सर। ठीक है हवलदार साहब, मैं इसे लेकर के जा रहा हूँ। यह आपकी बड़ी मेहरबानी है जो आपने मेरी जमानत पर इसे छोड़ दिया। अच्छा मैं चलूं? जाइए। ठीक है ठाकुर साहब, कोई और सेवा हो ये बताओ। जरूर बताऊंगा। फूलन, तुम जानती हो तुम कहाँ आ गई हो? कहाँ गई मैं नहीं जानती। ये ठाकुर श्रीराम की हवेली है, इसे गौर से पहचान लो, क्योंकि
कि तुम्हें यहाँ कुछ देर रहना भी है। मालिक ये बताइए ठाकुर साहब यहाँ किस लिए लाए हैं आप? ये जानना चाहती हो? अरे फूलन तुम्हें क्या पता कि मैं तुम पर कितने दिनों से परेशान हूं। अगर यही बात है तो सुनो मेरी जान। ओ मेरी रश्के कमर और ए मेरी दिल जान, और लगा तू सीने से मुझे और करती क्यों है।